हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल योली मदद क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तारनामा सीरीज के एपिसोड 10 के पार्ट 2 को। लास्ट वीडियो में अपन ने एपिसोड 10 का पार्ट 1 देखा था, जिसमें अपन ने देखा था कि हज़रत मुख्तार की रिहाई हो गई है इब्ने ज़ियाद के कैद खाने से, इब्ने ज़ियाद के जिंदान से। तो वो जो है अपने घर आए हैं और उनकी जो बीवी है, उनकी जो वाइफ है, उनके यहाँ पे आए हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था। तो अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लो, या फिर उसके पहले की जितने भी पार्ट्स पे मैंने रिएक्शन करा है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लो, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगी। बहुत सिंपल सी बात है भैया। एंड जिसने भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सी बात है। तो अब इस वीडियो को देखते हैं। अरेबिक म्यूजिक, ये रहा तरन्नुम और रक्सो तरफ का लश्कर। उसे परियों के पैरों पर बिठाओ ताकि पैर की तकलीफ भूल जाए। आओ गाने बजाने के जादू से, अपनी नाजी आंखों के जादू से हाथ गर्दन और कमर मटका के हमारे उदास अमीर का तमाम दर्द और गम खत्म कर दो। उनके जिस्म और जान से अदाएं निछावर करो, ठुमका लगाओ और नाचो। अजब है शब सुहानी, कशिश जो तेरी छाई, मेरी नींद है उड़ाई। अजब है शब सुहानी, दफा हो जाओ कनीज जादियो, दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी बदबू से नाक पे हाथ रखोगी। आज ये वक्त आ गया है मुझ पर, मेरे पास से बदबू आ रही है, बस रखो, मेरे पास से बदबू आ रही है। शरीफ वालियो पागल हो गए, टाइट तेरी, ये सब तुम्हारी वजह से आई है। मैं माफ कर दूंगा, तुम हर रात मेरे लिए अजाब लेकर आते हो ताकि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। मैं तुम्हारा गला घोट के मार दूंगा, मेरे बहुत से बदबू आती है, मार दूंगा तुम्हें। तेरे तो रूह में ही बदबू है रे तुम्हारी। माकल मेरे भाई, सही में मार दिया माकल को। माकल, माकल मरना मत, माकल मेरे दोस्त, मुझे छोड़ के मत जाना माकल। क्या रामी बा हीला कर मक्का, दफा हो जाओ यहाँ से। इसकी हालत बड़ी ऐसी, कम से कम अपने पाँव पर तो रहम करें। आज के बाद रात की तुरंत महफिल बंद, समझ में आया? मेरा पैर, मेरा पैर। क्या हुआ, इतने पागल क्यों हो गए? मेरे मुंह में खाक, कोई जिन देख लिया या उन लड़कियों के सर पे सींग थे? वही जो तुमने सुना है, आज के बाद कोई भी महफिल हमारे नाम पर या हमारे दर्द की तस्कीन के बहाने बरपा होगी तो उसके बानियों का सर काट दूंगा। इनकी तहकीर आमेज नजरें सौ गालियों से ज्यादा बदतर हैं। ये औरतें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे नचेस देख लिया हो। नहीं, आप यजीद के खैर संजीदा अहकाम पर भड़के हुए हो और खामोखा और तरफ की महफिल पर अपना बुखार निकाल रहे हो। मैं थक गया हूँ ऐसे बेहूदा नौजवान की खिदमत कर करके। हुसैन के किस्से पर भी सोच सोच के पागल हो गया हूँ, समझ नहीं पा रहा है कि मुझसे कौन सी गलती सरजद हो गई। बस एक दफा उस बंदरबाज इंसान की वजह से जो मैं गड़े में गिरा हूँ, ये मेरे सात पुश्तों के लिए काफी है। ये सर फिरा नौजवान हम पर सरदारी करने का हक नहीं रखता, बिल्कुल सारी बातों का इनकार कर दिया उसने। लाना जा रहे हैं।
कम आंख का जख्म ठीक होने तक रुक जाते, उसके बाद जाते हैं। मैं शहर बदल हो गया हूँ नारिया। शहर बदल का क्या मतलब बाबा जान? यानी शहर और घर बार को छोड़ देना, घर और शहर से निकाल देना शहर बदल कहलाता है बेटा। तुम्हें 3 दिन मोहलत दी है ना, क्या नहीं दी? हाँ मोहलत दी है मगर अमान नहीं दी है। नारिया मेरे दिल की आग अगर बुझ गई तो मुर्दों में शुमार होगा, औरतों के आंसू आग पर पानी का काम करते हैं। राजी नहीं कि मेरे घर मौजूदगी में तुम बेताब हो जाओ। चाहती हो मुख्तार को उसकी जंग में मदद करो, बुढ़पारी का मुजाहरा करो साबित। जी बाबा। मेरी गैर मौजूदगी में तुम घर के मर्द हो, अपने काम में तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मर्दाना वादा करो कि अपनी बहन और माँ के साथ रहम दिली दिखाओगे, इन लोगों की दिल आजारी नहीं करोगे। है तो मुश्किल काम बाबा, मगर क्योंकि आप कहते हैं तो जरूर। जब भी जारिया भूपी और उनके बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, मेरी और माँ की लड़ाई हो जाती है। दारिया, अगर मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहती हो तो मेरी बहन जारिया से दर्द दिल करो, अपने आप पर रहम करो। जारिया की हम नशीने तुम्हें अहले तो जख्म बना देगी। बच्ची बड़ी प्यारी बहुत। पीछे रिलीज करा दो। देखो सिम रहे नहीं होगा। उतरो, साहिल को अच्छी तरह छानो, इन्हीं झाड़ियों में छुपा हुआ होगा। एक दूसरे से जुदा मत होना कि तुम्हारा खून बह जाएगा। इन तीन के ग्रो बना लो, अकेले मत घूमना के मुख्तार खतरनाक शमशीर जन है। तू तो गया बेटा, चप्पे चप्पे को छान मारो। आज ये सारी फौज को लग रहा जाएगी। अरे क्या तुम्हारा सवार कहाँ है दोस्त? अच्छा अच्छा, गुस्सा मत हो,
मैं समझ गया, अबू इसहाक किसी मुश्किल में पड़ गया, तुम्हें मदद के लिए भेजा है ना। मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक था दोस्तों, अबू इसहाक किसी मुश्किल में पड़ गया, हम मदद के लिए चलते हैं। तुम रास्ता दिखाओगे, चलो मेरे साथ। तुम में से किसी के दिमाग में नहीं आया कि उसे रोक लेते? मेरे दिमाग में आया था, मगर तुम सरदार हो, मैंने देखा तुम चुप हो तो मैं भी नहीं बोला। चुप हो जाओ, उसके साथी लग रहे हैं, जल्दी करो हमें भागना होगा। जल्दी करो अहमको, हमें भागना होगा। जल्दी करो अहमको, भाग गए। का पीछा मत करो, जख्मियों को कैद कर लो, इनके मुंह खुलवाने होंगे। अबू इसहाक, अबू इसहाक कहां हो? अबू इसहाक, मैं हूं कियान। मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं हूं कियान। अपने आप को जाहिर करो, खतरा टल गया है, चेलों को भगा दिया है हमने। गए कहां? बाप रे, पानी के अंदर। पीछे पीछे खूब अच्छी तरह देखो क्या, शबाहत रुस्तम रखता हूं क्या मैं? तुम हमेशा मेरे ख्यालों के रुस्तम हो मुख्तार। रुस्तम की आंख जख्मी नहीं थी, पहलवान के जिस्म पर तो हर जख्म जीनत होता है, इस उलिये के साथ तो और दिलचस्प हो गए हो। रो क्यान, गिरिया करो, मजलूम में तश्ते नैनवा के लिए खून के आंसू रोना चाहिए, अश्कों से नहीं। खून से
तुम क्यों काफिला इश्क से पीछे रह गए? रास्ता भटक गया था अबू इसहाक। जब तुम जैसा रस्तों का आशना रास्ता भटक जाए तो नाबद लोगों का क्या गुना? रास्ता बंद किया हुआ था, बेराहे से गया, जितना भी दौड़ा मकसद को ना पा सका। जब नेनवा पहुंचा हूं तो सरे बुरी दा नजरे पड़ता, शर्ते इश्क जुनून है, हम रह गए क्योंकि मजनून न थे। तुमने इन लोगों को सिखाया है? ये नारा तुम्हारी कल्बी आरजू है अबू इसहाक। मैं एक जरिए से पढ़कर कुछ नहीं। या लिसारात अल हुसैन, इसका मतलब क्या होता है? बखुदा कसम जिंदा ने मेरे दिन रात का जिक्र यही था कि जिंदा रहूं और खून हुसैन के इंतकाम के लिए कायम करूं। वो सयालम लजीन जालमू अय्या मुनकालिबिन यनकालिबून, ये खुदा का वादा है। बहुत जल्द सितमगर जान जाएंगे कि किस तरह वो जेर व जबर किए जाते हैं। खुदा का दुरूद हो तुम लोगों पर। खुश आमदीद, आजादी मुबारक हो अबू इसहाक, तुम्हारे कदम मुबारक हो, बहुत याद करते थे तुम्हें अबू इसहाक। इनके मुंह खुलवाए जी, ये शिमर इब्ने ज़िलजोशन और उमर साद के चेले हैं, अबू इसहाक को मारने के लिए भेजे गए हैं। आपकी पनाह में मेरे आका, आपकी पनाह में मुख्तार, मुझसे गलती हो गई अबू इसहाक, बेगुनाह खता हो गई, मेरे बुर्दगान की रूह पर तुफ है, मैं बेगुनाह हूँ, 5-7 लोगों का रोजी खिलाने वाला हूँ। उमर साद ने 100 दीनार का वादा किया था और आधा हाथ में देकर भेजा, मुझे माफ कर दो मुख्तार, इस फकीर के बाप पर लानत जो के सिर्फ 100 दीनार की खातिर धोखा खा जाता है और दिलेर तरीन मर्द के कत्ल पर भी आमादा हो जाता है। मुझे माफ कर दो मुख्तार, जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा मुरीद रहूंगा। उठो सर, आंखों पर अबू इसहाक। जाओ और उमर साद से कह दो कि मुख्तार जब तक तुझे न मारे नहीं मरेगा। सर आंखों पर, खुदा तुम्हारे बाजुओं को इतनी कुव्वत दे कि इन बेगैरतों से आवाम को निजात दिलाओ। दिन रात दुआ करूंगा ताकि दिली मुराद पूरी हो। खुशामद करना बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से। वो भी सराखों पर पहलवान, मेरा घोड़ा दे दो, अभी दफा हो जाता हूँ। घोड़ा तो जंगी गनीमत है, जाओ खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारा सर तन पर बाकी है। पहलवान, खुदा की कसम घोड़ा मेरा नहीं है, ऐसे ही गया तो 1 साल तक बगैर तनख्वाह के काम करना पड़ेगा। ये लो 50 दीनार गनीमत के तौर पर रख लो और घोड़ा मुझे दे दो। शक्ल है मक्कार की, जाते हो या शक्ल बिगाड़ दूं मक्कार की। की बड़ा तुम्हारे जिंदा और मुर्दा पे लानत।
कौन सा गधा बोल रहा था कि मार देंगे, कत्ल कर देंगे? तो फिर क्या हुआ? घोड़े की अकल इन जानवरों से ज्यादा है। सींग वाले गधे देखते हैं, ये लो 20 मिसालें हैं हमारे पास। क्यों फड़फड़ा रहा है भाई? ना इल्तिमास की थी मैंने कि होशियार रहना। मुख्तार वो रिंद है जो तमाम रास्तों से वाकिफ है। सरकार, आपने खुद फरमाया था कि मुख्तार अकेला है। हमें उसके साथियों का अंदाजा नहीं था। मुख्तार हमारी मुट्ठी में था कि उसके साथी आ गए। अबे चुप कर जाहिल अकल से पैदल। अबे एक जरा बराबर भी अकल होती तो मुख्तार के घोड़े का रास्ता रोक लेते। उसके बाद देखते कि मुख्तार तन्हा तरीन अकेला है। अब जहन्नुम में जाओ, तुम्हारी शक्लें ना देखूं मैं। लाश खाने वाले जानवर। कुछ बोलो शिमर, क्या करें? ऊंट पर छुपकर नहीं बैठा जा सकता। मुख्तार को खुल्लम खुल्ला मारना होगा। वो अपने आप को अपने साथियों तक पहुंचा चुका है। चार अंधे बूढ़े सिपाहियों के साथ उसे नहीं पकड़ा जा सकता। हमें एक लश्कर तैयार करके उससे पहले कि मुख्तार मजीद लश्कर जमाए उसे खत्म कर दें। कौन सा लश्कर शिमर? अपने मुर्दगान की कब्रों से सिपाही लेकर आए? शेख साहब किस लश्कर के साथ रे की तरफ जाना चाहते हैं? मुझसे चाल खेलोगे माँ के यतीम? मेरा मजाक उड़ाते हो खबीस कहीं के? करबला में मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों इस गड्ढे में गिरा हूँ। तुम ना होते तो खूने हुसैन से मेरा हाथ आलूदा ना होता। तुम हुकूमत रे के लालच में गड्ढे में गिरे हो, मेरा गिरफान किस बहाने पकड़ रहे हो? सच बात है, जब हुसैन से जंग करने का हुक्म तुम्हारे हाथ में दिया था मैंने, तो घोड़ा घुमाकर वापस क्यों नहीं आ गए? क्यों रह गए? मर्दों वाली बात करो, जब गुनाह किया है तो मुंह मत चुराओ। मेरा हाथ और तुम्हारा हाथ दोनों एक जितने खूने हुसैन से आलूदा है, समझे? एक दूसरे की जान के दर पे हो। मुख्तार ने अभी तलवार नहीं खींची तो तुम लोगों की जान जा रही है। जब तलवार खींच लेगा तो क्या होगा? मुख्तार तुम्हारे हाथ से निकल गया, यकीनन कहीं ना कहीं तुम लोगों की गलती थी। बजाय इसके कि अपनी गलती पर गौर करो, एक दूसरे को काट रहे हो। बानो, शेख खूने हुसैन को अपने सर नहीं लेना चाहते। बकवास मत करो भेड़िए की औलाद। ये लीजिए, अब इसकी जबान भी गंदी हो गई है। उमर को मेरी खातिर माफ कर दो शिमर, वो आजकल तल्ख ज़बान, बदमिजाज और बद अख़लाक़ हो गया है। ये क्यों नहीं कहती कि दीवाना हो गया है? दीवाने न होते तो शिमर से न झगड़ते। तुम और शिमर एक प्रकार के दो हिस्से हो, साथ रहोगे तो कर सकोगे। सुना नहीं कि किस तरह रे के लफ्ज़ को जबान पे ला रहा है, मुझ पे इल्जाम डाल रहा है। इसका मतलब सिर्फ तुम्हारी जबान हकलाने नहीं लगी, तुम्हारे कान भी कमजोर हो गए हैं। गुफे के लश्कर के सिपह सालार नहीं हो क्या? उस लश्कर के साथ मिलकर रे के फातह नहीं बनना चाहते? लश्करे कूफा, लश्करे कूफा अमीरे कूफा के हुक्म के बगैर कहीं से हिलता नहीं है पगले। तुम क्या समझते हो कि मैं अब तक कूफे में क्यों हूँ? अगर मेरे इख्तियार में होता तो अब तक मुल्क रे के खाक को अर्श के मीनारों से मिला देता। उमर सही कह रहा है, अगर लश्करे कूफा का इख्तियार उमर के हाथ में होता तो मैं कैसा कम था। मुझे लगता है कि वादा हुकूमत रे एक चाल थी ताकि उमर को फरेब देकर हुसैन से लड़ने भेज दिया जाए। आप समझाइए, आप पकड़ाइए। मैंने तो वादा वफा कर दिया, मगर खलीफा टाल मटोल कर रहा है और हुक्म नहीं भेज रहा। ये ऐसी तड़पेगा, मैं मुल्के रे की गंदम भी ना खा सकूंगा, नहीं खा सकूंगा। ये वादा है हुसैन है। तुम्हें हसरे आशूर याद है शिमर? तुम्हें याद है हुसैन ने हमें क्या कहा था, तुम्हें और मुझे? मैं रे की गंदम भी ना खा सकूंगा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता शिमर। और अगर ऐसा हो भी, मैं तो रे की गंदम खाने नहीं जा रहा। वहां की महंगी खुराक मेरे लिए काफी है। हाँ, जौ की रोटी खा लेंगे, जौ की रोटी पे गुजारा कर लेंगे, बस। बस भी करो उमर, खुद को संभालो। जौ की रोटी, इसके अंदर परेशान हो तो तुम्हें मुख्तार से डरने की जरूरत नहीं है। ये दीवानगियां ही तुम्हें खत्म कर देंगी। खुद को संभालो उमर।
तुम इन खुराफात को नहीं मानते थे? खुदा के वास्ते पागल मत बनो, हुसैन की बातें नाजिल होने वाली वही नहीं है। बहुत ढीठ है सिमरन। उसने मौका महल देखा और अंधेरे में एक तीर चला दिया ताकि शायद हम लौट जाएं। हुसैन मौत से वाला होता तो अपने आप को बचा लेता। उठो मुख्तार के लिए कोई फिक्र करें, जितना उसे मौका देंगे उतना ही उसे मारना मुश्किल होता जाएगा। कूफे का लश्कर हमारे इख्तियार में नहीं है, तो ना हो मुख्तार को मारने के लिए हमारे कबीलों के लोग ही हमारे लिए काफी हैं। बशर्ते कि हम जल्दी करें और वक्त जाया ना करें। शिमर ठीक कहता है उमर, तोता पिंजरे से निकलकर उड़ गया है तो दोबारा जाल बिछाओ, कुछ करो, उसे शिकार कर लो। अगर उसे खुदा की अमान में रिहा कर दोगे तो वो एक हैबतनाक दरिंदा बनकर हम सबकी जान ले लेगा। उस खलीफे की औलाद ने हुक्म दिया है, मुख्तार को मार डालेंगे। खलीफा हैरान रह जाएगा कि तुम लोगों की आंखों पे अब्रू है। That's it. एपिसोड 10 का पार्ट 2। एंड जैसा अपन सोच रहे थे, बहुत सिंपल सी बात है, उमर इब्ने साद को एक तरह से लालच दी गई रे की हुकूमत को लेके, बट एक्चुअली हुकूमत दिया ही नहीं। एक्चुअली तुम कह सकते हो कि इब्ने ज़ियाद चाहता तो था कि उमर को रे की हुकूमत मिल जाए, इसीलिए इब्ने ज़ियाद ने काफ़ी दफ़ा काफ़ी बार यजीद को पैगाम भी भिजवाया कि उमर इब्ने साद को जो है और एक ही हुकूमत दे दी जाए, बट यजीद ने कभी रिप्लाई नहीं किया। तो ये एक चाल था उमर इब्ने साद को फंसाने के लिए, ताकि लाइक कातिलान हुसैन का इल्ज़ाम उसके सर पे आ जाए। बहुत सिंपल सी बात है, तो सिर्फ रे की लालच में उमर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करा। तुम कह सकते हो वो उस करबला में भागीदार था, तुम कह सकते हो हिस्सा लिया उसने उस प्रॉपर करबला के वाक़े में, तुम कह सकते हो। तो इस तरह से फंसाया गया उमर को, एंड उमर तो लालची है ही, बहुत सिंपल सी बात है भैया, उसने बहुत पहले से ख्वाब देख रखा है रे की हुकूमत को लेके। एंड मैंने सुना है कि उमर ही पहला ऐसा शख्स था जिसने करबला में सबसे पहले हमला किया था। तो लांथी तो बहुत सिंपल सी बात है, तुमने खुद देखा उसकी हालत किस तरह से हो रखी है, उसकी आंखों के सामने वो मंजर बार बार आ रहा है करबला का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बद्दुआ जो कहा था, लाइक इसमें बताया गया है कि तुम्हें गंदम की एक दाना भी, एक गंदम का एक गेहूं का एक दाना भी नसीब नहीं होगा रे का। बहुत सिंपल सी बात है, हुकूमत तो दूर की बात है, तुम कभी वहाँ पे एक दाना भी नहीं खा पाओगे। तो उमर कहता है कि मैं जौ का रोटी खा लूँगा, बट मुझे नहीं चाहिए रे की हुकूमत, इस तरह से कहता है। तो बहुत भयानक हालत हो चुकी है। इस वीडियो में अपने देखा गया जैसे मुख्तार जो है वो लाइक जिस तरह से वादा एक करा था, एक वो प्रॉपर एक रूल क्या कहते हैं, मतलब एक वो कहते हैं ना कि भाई इब्ने ज़ियाद ने हज़रत मुख्तार से कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन तीन दिन के अंदर तुम्हें, तीन दिन से पहले जो है ना तुम्हें कूफे से बाहर जाना है, वरना मैं लाइक हम मेरे फौज के जरिए तुम्हें मरवा दूंगा एक तरह से। तो वो पहले ही दिन निकल जाते हैं। एंड इसके बाद होता क्या है, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था सिमर जिलजोशन, जो भी इब्ने जिलजोशन कहते हैं, और उमर इब्ने साद, ये दोनों प्लान करते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से हजरत मुख्तार को मार देंगे, है ना। बिकॉज वो बौखला गए थे, हजरत मुख्तार जब छोड़ा इब्ने ज़ियाद ने तो वो बौखला गए, फड़फड़ा गए कि भैया ये अब प्लान बनाएगा एंड ये हमको मारेगा। दैट्स वाई उसने पहले ही अपने चेलों को हजरत मुख्तार के पीछे लगवा दिया, बट ये उल्टा पड़ गया। तुमने देखा वहाँ पे क्या हुआ, कियान आ जाते हैं वहाँ पे एंड अपने फौज को लेकर एक तरह से उनके फौज को पकड़ लेते हैं, जो चेले थे उमर इब्ने साद के, कुछ भाग जाते हैं, तीन बच जाते हैं। तो वो गिड़गिड़ा के रोते हुए वापस आ जाते हैं अपने मालिक के पास, उमर इब्ने साद के पास। बहुत सिंपल सी बात है। तो इस तरह का लाइक प्रॉपर सिचुएशन इसमें दिखाया जा रहा है। अब अपन देखेंगे एपिसोड 11 बहुत जल्दी देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है ये सीरीज, स्टार्टिंग से इंटरेस्टिंग है जिस तरह से इसे बनाया गया है, जिस तरह के इसमें पंचलाइंस डाले गए हैं, डायलॉग्स इसमें है भैया, बहुत नेक्स्ट लेवल है। इब्ने ज़ियाद नेक्स्ट लेवल, बहुत सच बता रहा हूँ नेक्स्ट लेवल सीरीज़ में। लाइक बताओ अलग बात है, सीरीज़ मुझे पता है एकदम रियल, लेकिन अगर अपन एक्टिंग की बात करेंगे ना, बहुत नेक्स्ट लेवल है इस सीरीज़ की, सच बता रहा हूँ मैं। चाहे वो उमर इब्ने साद हो, चाहे इब्ने ज़ियाद हो, चाहे हज़रत मुख्तार हो, हज़रत मुख्तार की जो कातिलाना स्माइल है भैया, बहुत नेक्स्ट लेवल की स्माइल है वो, जो प्रॉपर वो हल्की सी मुस्कान देते हैं इस पूरे सीरीज़ के अंदर, मैंने बहुत बार देखा है प्रॉपरली, समझ जाओ बहुत, है ना। तो या दैट्स इट, इब्ने ज़ियाद का घाव सड़ रहा है, बहुत भयानक उसकी हालत हो रखी है, जाएगा जल्दी ही वो, मेरी ये दुआ है, तुम भी ये दुआ करो, बहुत सिंपल सी बात है। तो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बी से बी हैप्पी, पीस आउट, योर अली मदद, लव बाय क्या हुसैन।